सरसों के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश राजस्थान में इसका रेट पिछले डेढ़ महीने में ही करीब 2000 रुपए क्विंटल तक कम हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि दाम में यह नरमी कुछ समय के लिए है, इसलिए किसानों को इसे बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नवंबर में राजस्थान में 9000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का रेट था, लेकिन अब यह घटकर 6800 से 7100 रुपए तक रह गया है। हालांकि रेट अब भी एमएसपी से ऊपर ही है। इस समय सरसों की एमएसपी 5050 रुपए क्विंटल है। साल 2021 में सरसों की रिकॉर्ड कीमत रही है। शुरू से ही तिलन में तेजी रही है। सरसों के तेल का भाव 250 रुपए लीटर तक पहुंच गया था। अपने देश में तिलहन फसलों की मांग उत्पादन के मुकाबले काफी अधिक है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों का दाम एमएसपी से ऊपर ही बना रहेगा। सरसों की नई फसल आने में अभी करीब 3 महीने का वक्त है, ऐसे में इसके दाम में उतार चढ़ाव हो सकता है। खाद्य तेलों में सरसों का योगदान करीब 28% है। भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। सालाना यहाँ करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से मंगाया जाता है। इसलिए अब सरकार सरसों और दूसरी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। मार्केट में जानकारों का कहना है कि जब तक खाद्य तेलों का आयात होता रहेगा, तब तक सरसों का दाम एमएसपी से ऊपर ही बना रह सकता है, इसलिए इसका उत्पादन किसानों के लिए फायदेमंद है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से उत्पादन की तुलना में खाद्य तेलों की हमारी घरेलू मांग में वृद्धि हो रही है। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू मांग लगभग 250,000 टन है, जबकि उत्पादन केवल 111.6 लाख टन ही हो रहा है, यानी मांग और आपूर्ति में लगभग 56% का अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।